इंडिया के जो वुमेन आईपीएल मीडिया सोल्ड आउट हुए 7 करोड़ 4 लाख रुपए। सच्ची यार जी सर, मजाक तो देख ले, आप झूठ ना बोले, मेरे पास गूगल वगैरह नेट वगैरह सब कुछ है। यही मजा है, आप गूगल करके अभी चेक करो, पता लग जाएगा। चेक करो यार, जैसे कि इंडिया वाले अपनी क्रिकेट टीम को लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं, वैसे पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, अभी क्रिकेटर हो? यस। और अच्छा, इंडिया अपना वुमेन आईपीएल करवा रहा है, क्या आप चाहती हैं कि पाकिस्तान से भी लड़कियां जाएं इंडिया में खेलने? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को भी चांस दिया जाए, वो भी जाएं। और हमारे मीडिया राइट्स इतने लाइक उनकी लड़कियों के देख लें और हमारे देख लें, ये हम खुद मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग के आज मीडिया राइट्स सोल्ड आउट हुए हैं, आपके लिहाज से कितने में हुए होंगे? तकरीबन हुआ होगा 1-1.5 करोड़ में। यही 2 करोड़ सर मीडिया राइट्स तकरीबन 70,25,000 में। $2 million आई थिंक सो। इंडिया के जो वुमेन आईपीएल की जो मीडिया राइट्स सोल्ड आउट हुए हैं 7 करोड़ 4 लाख रुपए। सच्ची यार जी सर, मजाक तो देख ले, आप झूठ ना बोले, मेरे पास गूगल वगैरह नेट वगैरह सब कुछ है। यही मजा है, आप गूगल करके अभी चेक करो, पता लग जाएगा। चेक करो यार, अभी बताओ इनको, ये जो इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ ना सोशल मीडिया पे कि ये हो गया, सारे अपनी तरफ से करते हैं, अभी सब बाजी करते हैं। सही बात, ये सर्च करो ना, लिखे लिखे यार, सच्ची में 7 करोड़ के, ये देखो 7 करोड़ के हमें। क्या बात, हां शॉकिंग है। हां यार, क्या बात है, वाह बढ़िया, ये तो हम सोच भी नहीं सकते पीएसएल में इतने में कभी जाएगा। आपके लिहाज से क्या पीएसएल आईपीएल लेवल का किस दौर में जाके तो कितने अर्सा लगेगा हमें आईपीएल को बीट करने में? कभी नहीं, मुश्किल है, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, किसी चीज में नहीं कर सकता। हमारा मुल्क बैंकक्रप्ट होने पे आ रहा है, दिवाले निकला हुआ मुल्क का, कितना वो आगे जाएगा, और मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, किसी भी चीज में देख ले आप, एजुकेशन में देख ले, एसेट्स में देख ले, किसी चीज में, इंडिया को कितना आगे पहुंच गया है। मैंने अभी पिछले दिनों न्यूज पढ़ी है कि इंडिया वालों का एक बंदा था, उन्होंने कहा कि भैया पाकिस्तान अब हमसे जिस चीज में चाहे मुकाबला कर सकता है, कुछ उन्होंने अपने मुल्क में देखा तो उन्होंने किया ना, हम तो किसी तरह से बात नहीं कर सकते यार। वुमेन आईपीएल देखो ना, वो इतना लाइक, हमने कभी आपके सामने क्रिकेट चल रहा हो, हमने कभी वुमेन नहीं देखा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा कितने के होंगे? वुमेन आईपीएल की मीडिया राइट्स 7 करोड़ रुपए में सोल्ड आउट हुए। ये कैसे हुआ है, कब हुआ है? ये रात को हुआ है, ये आज रात को ही हुआ है वाकई। नहीं कैसे, जो पाकिस्तान के पीएसएल की मीडिया राइट्स है वो 2.5 करोड़ में सोल्ड आउट हुए हैं और उनका वुमेन हमारे से हाई जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा कसूर है, असल में ये कसूर ही हमारा है। वजह ये है क्योंकि अब जैसे कि वो अपने प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, हम ये है कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि 2-4 सड़कें बना दी हमने और हम अपने आप को कहते हैं कि लो जी हम पूरे मुल्क को सीधा कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि वो अपने मुल्क को प्रमोट इस वजह से कर रहे हैं, जैसे कि विराट कोहली है, वो उनके प्लेयर्स कितने महंगे बिकते हैं यार। जितना पूरी पाकिस्तान की पीएसएल का बजट होता है ना, तो उतना तो उनकी एक टीम आ जाती है, और आईपीएल बहुत हाई लेवल पर तो देखे ना, जिस तरीके से वो अपनी वुमेन की क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। इवन हमारे जो रमीज राजा ने कहा था कि हम पाकिस्तान में वुमेन पीएसएल करवाने जा रहे हैं, बाद में पोस्टपोन हो गया, क्या हमारे पास बजट नहीं बना। इंडिया क्यों हर चीज में आगे जा रहा है, लाइक वो अपनी स्पोर्ट्स कितना प्रमोट कैसे करता जा रहा है? भाई वो बिजनेस करते हैं, मेन आइडिया बिजनेस होता है। जैसे भी उनके बड़े बड़े स्टार तो उनकी टीमें खरीदते हैं, कोई शाहरुख खान खरीद रही, कोई प्रीटी जंटा टीम खरीद रही है, कोई कोई उनके बड़े बड़े स्टार टीम लेते हैं, अंबानी की शायद कोई स्पॉन्सर। टाटा मेन स्पॉन्सर बन गया आईपीएल का, पहले हुआवे था, चाइना था, अब उन्होंने कहा हम अपनी टीमों को अपने प्रोडक्ट्स को खुद प्रमोट करेंगे। तो और क्या, टाटा की कारें देखे हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हो रही हैं, और वो भी ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते टाटा के, तो अब तो बाहर इतने ज़्यादा बिजनेस है भाईजान। टाटा महिंद्रा उनका अपना ब्रांड है, हम तो देख रहे हैं, हम तो चीज़ें जापान से मंगवाते तो हमें तो टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ें उनकी अपनी ही, अपनी प्रोडक्शन, उनके अपने प्लेटफॉर्म है। हमारी मीडिया कम क्यों है, इंडिया कैसे इतना आगे जा रहा है? उनके इन्वेस्टर्स बहुत क्लास के हैं, जैसे आप देख लेंगे उसमें एक फैमिली है अंबानी टाइप की, उनकी वाइफ आईपीएल को होल्ड करती है मुंबई इंडियंस को ना, तो उनके जो असासे देखो ना, उनके इतने पाकिस्तान में असासे नहीं है जितने एसेट जो होते हैं, तो जितने एक फैमिली के हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। इसी तरह वहाँ इन्वेस्टर्स हैं, और यहाँ के इन्वेस्टर जो मुल्क का मतलब है एक किस्म का दिवालिया निकला हुआ है, इस वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करते नहीं। अब हमारे लाहौर कलंदर का देख लें आप, उनका जो ओनर है उनका बिजनेस ही बाहर है। अच्छा, तो बस वो उनके वो भी ये भी बड़ा बात है कि उन्होंने यहाँ पे आके क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब और बड़े बिजनेसमैन हैं वो बाहर ही ज़्यादा तक करते हैं, पाकिस्तान में ना इतना वो नहीं है ना। मतलब कि हमारा जो मेन पीएसएल है वो इंडिया का वुमेन आईपीएल से भी नीचे है। हाँ ना, देख लें आप, 2.4 आप बता रहे हैं, और इंडिया की वुमेन की 7 कुछ है, कितने बड़े रेशियो है, 5% ज़्यादा उनसे। तो हम अपनी क्रिकेट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी हमारी जो गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं यहाँ पे लेके आती? ये करप्शन, वो कहते हैं अगर हम इन्हें लेके आए वो खाएंगे कहाँ से, वो अपने पेट में ही डालते हैं बस सब कुछ, तो जैसे वो आते हैं फिर अच्छा
दहशत गर्दी यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब बांग्लादेश में हमला हुआ था, अभी जो कुछ अर्सा पहले किसी गांव में ना किसी उधर फॉरेनर को मारा था इन्होंने, हमला हुआ था ना, पता नहीं अल्लाह पाक माफ़ करे, सावा करा उसने बात की थी कि नहीं की थी अल्लाह जाने, उसने मार दिया था बड़ी बुरी तरह। तो इस वजह से भी वो नहीं आते यहाँ पाकिस्तान में, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। तो लाइक देखें, अच्छा ब्रदर सीन ये है कि उनके पास हैं अपने इन्वेस्टर, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं, लाइक कितने इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में अपने प्लेयर्स पे, अपनी बहुत सी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हमने अपना पैसा साइड पे लगाना है, करप्शन करनी है और साइड पे। इमरान खान क्यों पीटता है आपको पता है इस बात का? वो इसी वजह से पीटता है, ये मुल्क को लुट के खा गए हैं गंजे, ठीक है, इमरान खान इस वजह से पीटता है। वो क्या करते हैं, वो बहुत ही समझदारी से चलते हैं, ठीक है, अपने पैसे को उनको लगाने का तरीका आता है, अपने प्लेयर को महंगा खरीद के उनकी वैल्यू भी बढ़ाते हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो इतना कमाते भी हैं। और हमारे मीडिया राइट्स इतने, लाइक उनकी लड़कियों के देख लें और हमारे देख लें, ये हम खुद मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हम अपनी स्पोर्ट्स को क्यों नहीं ऐसे प्रमोट कर रहे, लाइक देखें इंडिया अगर IPL के अंदर अपने प्लेयर्स बाय करता है, सबसे महंगे प्लेयर वो अपने मुल्क के ही खरीदता है। भैया ना, जब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप होता है ना, तब इंडिया के मतलब के लड़कियों का मतलब के क्रिकेट मैच में इतने लोग मौजूद होते हैं, यानी कि शौक हुए थे कि इतनी लड़कियों का मैच हो रहा था, इतने लोग इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पे लड़कियों का मैच होता है, किसी बंदे ने दिल लगा के लड़कियों को देखना ही नहीं है, स्टेडियम पे मैच हो रहा है, इंग्लैंड से हो रहा है, किसी भी हो रहा है कंट्री से हो रहा है, तो वहाँ पर 10-15 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठे होंगे। मतलब कि आप ये कहने का मतलब, अगर वुमेन लीग हम पाकिस्तान में करते कोई देखने नहीं जाएगा? सही बात है, अगर वुमेन कोई देखना क्रिकेट खेलना, कोई खाला जी का वारा था नहीं ना, पंजाबी की मिसाल है, लड़कियों की हिम्मत है, वो भी मतलब के चैलेंज करती है अगली टीम को। हालांकि हम हमारे यहाँ इतने ज़्यादा वो कहते हैं ना कि फाइबर वगैरह नहीं है, लेकिन उनके पास डाइट वगैरह ऐसी वैसी चीज़ें हैं कि वो खेल सकती हैं, लेकिन शिकस्त दे देती हैं हमारी क्रिकेट टीम की लड़कियाँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में, काफ़ी चीज़ें कोई मतलब कि कमी है। इंडिया के IPL को PSL के साथ कंपेयर करना सरासर बेवकूफ़ी है। मतलब उनके पास इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है यार, उनमें उनके पास पैसा बड़ा है, उनके पास बिजनेस बड़ा है, पूरी दुनिया से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने आते हैं, और ग्राउंड की टिकटें धड़ाधड़ सेल हो जाती है, ब्लैक में बिकती है, और पाकिस्तान के PSL को देख ले आधी चेहरे तो खाली पड़ी होती हैं। तो यार IPL को PSL के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। यार ब्रदर सीन ये है कि जितने में लाइक उनकी जो IPL की टीम खरीदी जाती है ना, उतने में हमारा पूरा PSL हो जाता है। और हमें ये सोचना चाहिए कि हम पहले अपने मुल्क को ठीक करें, ठीक है, क्योंकि हम मुल्क को लाइक डिफ़ॉल्ट होता हुआ देखना देख रहे हैं, फिलहाल यही देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल भी चाहती है कि हमारे अपने मुल्क को हम ऊपर जाता हुआ देखें।